तो राधे राधे और आज मैं आपको उन्नीसवा अध्याय जो है वो सुनाऊंगी जिसमें गंधर्वीर माया नारद जी ने आगे कहा वीरभद्र को गिरते हुए देखकर शिव जी के गण डर कर संग्राम भूमि त्याग कर शिवजी के पास गए शिव जी ने उनके अतनदार सुनकर हंसते हुए युद्ध में गए शिवजी को आते देखकर लौटे हुए गण शून्य नाद करके पुण्य बाणों की वर्षा से राक्षस को मारने लगे राक्षस लोग शिवजी के भयंकर वेश को देखकर भागने लगे जालंधर दैतों को भागते देखकर क्रोध से भर गया हजारों बाण छोड़ता हुआ शिव जी पर झपटा उसके साथ ही अन्य राक्षस भी शिव जी पर झपट पड़े उन्होंने प्रमुख थे शुंभ निशुभ अश्वमुख काल नैमी हक, खड़ गोराम प्रचंड और घशमार जब शिवजी शिवजी ने देखा कि उनकी सेना बाणों से धनकार से डग गई तो राक्षसों के बाड़ों से काटकर अपने बाणों को आकाश ढक दिया उस समय उन्होंने राक्षसों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों से शमू से उन्हें भूमि पर गिरा दिया खड़गरों नामक राक्षस ने केसिर के क्रोध से फर्शा चलाकर काट दिया और खड़क से बालक के सिर को दो टुकड़े कर दिए गश्मर घशमर नामक राक्षस को पास से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया कितने ही राक्षस बैल के सिंहों से मारे गए राक्षसों को वहाँ ठहरना वैसे भी असंभव हो गया तब जालंधर का क्रोध बढ़ गया उसने तीव्र आवाज में शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा उसने कहा इस राक्षस के सामने से कोई लाभ नहीं आओ मेरे साथ युद्ध करो जटाधारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो ऐसा कहकर उसने शिवजी को के आए हुए बाणों को अपनी पहने बाणों से हंसते हंसते काट दिया शिवजी ने अपने सात बाणों से उसका घोड़ा ध्वजा और छत्र काट दिया धनुष कटा जाने पर धनुष कट जाने पर तथा गिर जाने पर भी जालंधर शीघ्र ही गधा उठाकर शिवजी पर झपट पड़ा शिवजी ने अपने बाणों से उसकी गधा को दो टुकड़ों कर दिए इस पर वह घूसा तानकर शिवजी के मारने की से से इच्छा उन पर टूट पड़ा शिवजी ने तत्काल ही अपने बाणों से उसे एक कोष पीछे हटा दिया तब जालंधर देते ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अनोखी गंधर्वी माया को उत्पन्न किया वह गंधर्व घान करने लगे अप्सराएं नृत्य करने लगी और उनके प्रकार से बाघ बजने लगे ऐसा महा आश्चर्यजनक देखकर आश्चर्य देखकर बाघों की उस से गिर गया। गिर गया जालंधर ने देखा कि शिवजी के नृत्य गान के स्वरूप में तल्लीन है अंत वह काम के वशीभूत हो शीघ्र ही वहां जा पहुंचा जहाँ पार्वती बैठी थी महाबली शुंब और निशुंब के युद्ध भूमि में छोड़कर जलंधर ने शिव जी का रूप धारण कर लिया वह एक बड़े बेल पर चढ़ गया। पार्वती जी उससे समझ कर के बीच में उठी और दर्शन के लिए रास्ते में आकर खड़ी हो राक्षसरा जालंधर ने पार्वती की सुंदरता रूप को देखकर उसकी सभी अंग जड़ हो गए पार्वती को जब वह पता चला कि वह राक्षस है तो वह भय से घबराई शीघ्र ही अंतर ध्यान होकर उत्तर दिशा में मान सरोवर की ओर चल गई जालंधर ने जब पार्वती को नहीं देखा तो क्षण भर में बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आ पहुंचा जहां शिव जी थे पार्वती जी ने भयभीत होकर मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया पार्वती ने विष्णु से कहा विष्णु राक्षस जलंधर ने जो अद्भुत कर्म किया है उसका क्या दुष्ट का कुकर्म आप नहीं जानते विष्णु भगवान ने कहा उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है वैसे ही हम भी करेंगे हम भी उसकी स्त्री को छलेंगे अन्यथा पतिव्रत धर्म से सुरक्षित रहता हुआ वह दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता ऐसा कहकर विष्णु भगवान फिर जालंधर के नगर में पहुंच गए और भगवान शिव जी के गंधर्व से लड़ने संग्राम भूमि में स्थित रहे तब माया का आवरण हट गया तो शिवजी को होश आया तब शिवजी बड़े विस्मित हुए और क्रोध पूर्वक युद्ध के लिए जालंधर पर हमला किया जालंधर भी युद्ध में शिवजी पर बाणों की वर्षा करने लगा और उन्हें बाणों से ठग दिया तो फ्रेंड्स ये था जो है वो अध्याय आगे मैं आपको अध्याय बताऊँगी जिसमें जो है वृंदा और विष्णु जी का जो हुआ था आ, क्या कहेंगे आ, उनका जो धर्म था वो भंग कर दिया पति जो पत्नी वृता थी वो उनका भंग को धर्म कर दिया था और उसके बाद ही उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया था तो इसकी कथा मैं आगे आपको सुनाऊंगी आशा करते हैं वीडियो को पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट करना मत भूलिए मैं मिलते हुए द न्यू वीडियो तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे बाय बाय फ्रेंड्स बाय बाय